हेलो गाइस, हम लोग जा रहे थे तारपुरा और ये ऐसे फोन होता है तो हम लोग तारपुरा जा रहे थे, लेकिन किंतु परंतु किसी कारणवश हम लोगों का जाना कैंसिल हो गया है। तो अभी हम तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी को वापस नहीं कर रहे हैं अब। पैकिंग कर रहे, उसको अनपैकिंग कर रहे। नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर रही, मैं थक गई है पैकिंग करते करते। अभी ये मोहतरमा है, शक्ल देख लीजिए आप इनकी। मोहतरमा, ये मोहतरमा है, शक्ल तो सुंदर ही है, देख लो। ये पैकिंग करते करते थक चुकी हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है गाइस, इधर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को हैंडल करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर के लिए। तो अभी शादी को आज 5 साल हो गए। कैसा क्या लगता है इसमें? 5 साल बाद में कैसा भी नहीं लगता है। क्यों, अच्छा बुरा भी कैसी फीलिंग है? मुझे झेलना, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 5 ईयर का? अच्छा नहीं रहा? या बोल नहीं पा रहे हो अंदर की खुशी, या अंदर का दुख बता नहीं पा रहे हो कि ऐसा अंदर ऐसे चल रहा है क्या? ओ मैंने इस इस इसके साथ 5 साल निकाल दिए, मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट ले लिया मैंने जिंदगी में। भावना सिंह भाटी के साथ रहना इतना आसान नहीं है। नमूनो नमूना ही हूँ, सिर्फ एक नमूने नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली आई हूँ आपके साथ शादी करके। आप ही आए थे इतने लोग लेके, मैं तो अकेली आई थी, बेखौफ बेडर होके। सब सब ले, पता है शादियों में ना हर लड़की के साथ उसका कोई भाई या उसका कोई रिलेटिव जरूर आता है शादी के फर्स्ट डे। मैं अकेली आई थी, बाकायदा अकेली आई थी। बोलो आई थी कि नहीं आई थी? क्या पता, भूल गया, पता 5 साल हो गए। मैं अकेली तो आई हेलो थी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भावना सिंह भाटी, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता, आज है मेरी एनिवर्सरी, 8 है 8 दिसंबर, और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। हाँ 5 साल हो गए। और पता चला, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे पता ही नहीं चला 5 साल कैसे निकल गए, और सब कुछ पता चलता है इंसान को। और तो बस ठीक है। और अब हमारा रहा सेलिब्रेशन का, तो हमने फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी, और उसके बाद में कभी नहीं हो, हर साल का नहीं हो पाता है। तो आज हमारा हम दोनों ने काफी टाइम से हम ये सोचे हम केक नहीं काटेंगे, और हम सच में नहीं काटते। लेकिन कभी जीजा लेके आ जाते हैं, कभी घर जाते हैं तो वहाँ भाई भाई लेके आ जाते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से होता है। लेकिन हमारा ये रहता कि हम केक नहीं काटे, केक नहीं काटे, लेकिन कभी एक दिन प्रोसेस आएगा, हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। सो अभी हमारा ऐसा कुछ है नहीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारी कुलदेवी जोमाई माता के। आज अमित का खुद का मन है जोमाई माता जाने का, तो बस हम लोग अभी, मैं रेडी होने जा रही हूँ, देख सकते हो। बस मैं उनको अभी हलवा खिला के आई हूँ, उनका फेवरेट हलवा, आलू का हलवा। और बस अभी मैं नहा के और रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ, और शायद निकलते हैं, क्योंकि फिर अब अचानक से प्लान बनता है ना, तो फिर ऐसे हड़बड़ी रहती है। मेरा रूम वैसे ही बिखरा हुआ है, क्योंकि ब्लॉग में हमने स्टार्ट में देखा होगा हम गांव जाने वाले थे, कैंसिल हो गया। और मेरा इतना मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को जाना ही है, लेकिन फिर हो गया मन, और फिर कहीं जाना कैंसिल हो जाता ना, तो मूड थोड़ा सा ऐसे लो हो जाता है। तो मेरा सामान अभी भी बिखरा पड़ा है रूम में, पूरा रूम मेरा बिखरा पड़ा है। कपड़े हैं, स्टिचिंग वाले कपड़े हैं। और एक गुड न्यूज़ है, वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो आज वाला ब्लॉग मेरी एनिवर्सरी के लिए है। तो चलो मैं नहा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ऑफ लेने के बाद भी कंटिन्यू करना। तैयार ही है आप तो। किसी को बोला था किसी को छुट्टी लेने के बाद में फोन से फुर्सत नहीं है? फोन तो आएंगे ही, तो अभी तो हो रहेगा। क्या आएंगे फोन, छुट्टी ली है ना? छुट्टी ली लेकिन वो ऐसे ही हो गया। क्या हो गया बोलो, एनिवर्सरी है हमारी, आज के दिन तो छोड़ दो मेरे को, फिर ऐसे पार्टी करेंगे? फिर मैं लास्ट में गई हूँ, मैं कुछ रील्स भी बना ली, मैं तैयार भी होगी, पर गुन्नू भाई साथ जब है पॉसिबल नहीं। अभी जीजा का हो रहा है टेस्ट, पानी की बॉटल में देखने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि हम लोग जा रहे थे जवाई माता के, तो जीजा के कुछ टेस्ट करवाने थे। तो पहले उनको लगा कि एक ही टेस्ट है, लेकिन शायद वो एक दो टेस्ट है, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो बस उनका टेस्ट हो जाए, फिर हम लोग निकलेंगे जवाई माता के लिए। तो तब तक वेट करते हैं, क्योंकि गाड़ी में मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी तेज धूप है। हो गया? हो गया?
कोल्ड ड्रिंक पी लो या फिर छोटी कोल्ड ड्रिंक को लो चॉकलेट लो। कोई कदर ही नहीं है इंसान को, फोन में घुसे हुए। वो बेस तो निकाल ले। कहाँ पहुंचे हो तुम लोग? तो यहाँ ये कॉइन चिपका रहे, ऐसे बोलते हैं कि मन में कोई भी इच्छा लेके यहाँ कॉइन चिपकाते हैं, जिसका चिपक जाए उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो हम सब ने चिपकाए थे और हम सब के वहाँ कॉइन है जो चिपक गए थे। ये हमारे जीजा हुकुम है। ये हमारे भांजी हुकुम। ये इन्होंने हाथी जैसा बल लगाया है पूरा अपना। ओके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीना नहीं आ रही है, बीना नहीं आ रही है। तो आज ही आओगे क्या तुम लोग? आ रहे हैं। ए मैं चलूं। हेलो गाइस।
हमारे भाई और भाभी की आज एनिवर्सरी है, इसलिए आई हूँ। इन दोनों की पैसा वही बैठ गया है, एक स्टोरी है। चलो हो गया अब तुम लोगों का। बोलोगे तब भी समझा निकलेगा। सही है यार, बांद्रा भी है। सो यहाँ ये गुन्नु भाई सर की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये, हम रील्स भी नहीं बनाएंगे इतने दूर। ये हमारी फोटो रील्स ही होगी और अब हम लोग जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, ये हाथी मेरा साथ। क्या है, हाथी मेरा साथ। चलो तो चलते हैं। ये देखो अभी खत्म ही नहीं हुई इनकी वीडियो। गाइस दोनों तरफ रोड देख के क्रॉस करना। सो मैं यहाँ ले रही हूँ सिंदूर। जब यहाँ मंदिर वगैरह जगह में जाऊँ तो वहाँ से सिंदूर ज़रूर लेके आना चाहिए और बांटना चाहिए। तो मैं पूछ कर गई थी तब सबके लिए लेके आई थी, तो यहाँ से मैंने सिर्फ दो ही डब्बे सिंदूर लिया है। सो वहाँ से हम लोग निकल गए थे और उसके बाद हम सीधा घर पर आए थे और घर पर खाना वगैरह बनाया था। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए ब्लॉग्स की जो अपडेट है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।